गाइज, ये रहा मेरा वो जो मैंने मंगाया था। एक तो ये है, ये पूरा सेट है। एक्चुअली जैसे हमारे घर में कोई गेस्ट वगैरह आते हैं या ऐसे, हम भी कभी कभार हमें लगता है कि चाय पीना है, तो एक जगह पे मेरे को थोड़ा सा शॉकिंग लगा था क्योंकि इन्होंने फ़ोटो में इतने बड़े बड़े मग्स दिखाए थे, इतने बड़े बड़े। तो एज़ कम्पेयर टू द फोटो विच आई सॉ, उसके हिसाब से ये जो मग्स है ये एक्चुअली बहुत छोटे हैं, जैसे टकीला शॉट्स नहीं होते उस तरीके से मग है। तो मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये वाला साइज़ आएगा। अब आप कहोगे कि मैंने साइज़ चेक किया या नहीं, एक्चुअली मैंने साइज़ ठीक से चेक नहीं किया था, बट मुझे लगा कि इतने जो हम लोग जैसे कॉफ़ी मग होते हैं ना, इतने बड़े वाले साइज़ के। तो इफ़ यू सी ना कि ये यहाँ तक ही आ रहा है, देखिए ये यहाँ तक ही आ रहा है। मैं एक्सपेक्ट करी थी कि मुझे इतना बड़ा मग मिलेगा, वो भी चार, तो ये तो हुआ नहीं। खैर, ये मतलब छोटे छोटे टकीला शॉट्स मारने वाले कप्स हैं। तो एनीवेज, ये मतलब कोई घर पे गेस्ट आते हैं तो उसके लिए बहुत ही क्यूट है। और क्वालिटी अगर आप मेरे से पूछोगे तो इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, क्वालिटी वाइज कोई कमी नहीं है, क्योंकि इन्होंने इसके साथ एक ट्रे भी दिया है। और बात करते हैं अब इस केटल की। केटल इज़ एक्सट्रीमली कूल। तो आप ऐसे करके, मैं खोल के थोड़ा सा दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये देखिए, केटल मुझे बहुत अच्छा लगा अब चाय वाय पीने के लिए, क्योंकि उस कमरे में मैं लेके जाती हूँ तो चाय अलग से छान के। यहाँ पे कोई आता है हमारे घर में तो इस तरह से हम चाय डाल सकते हैं, पूरा सेट डाल सकते हैं, एक्चुअली पूरा सेट हम ले जा सकते हैं। और इसके साथ साथ, मतलब इसके साथ एक्चुअली आपको चार मिलेंगे कप्स इस तरह से ट्रांसपेरेंट बोरोसिल के। और बाकी इन्होंने वुडन ट्रे दिया है, ट्रे की क्वालिटी मुझे अच्छी लगी, ठीक है, मतलब गुड है, गुड फिनिशेस वगैरह बहुत अच्छे, जैसे कोने वगैरह के जो फिनिशेस हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो मुझे ये वुड की क्वालिटी अच्छी लगी। इनफैक्ट इसका जो केटल का जो हमारा ढक्कन वगैरह है, पूरा केटल जो आप देख रहे हो ना, बहुत ही बढ़िया लगा मुझे, केटल अच्छा लगा। बट एक चीज़ मुझे जो समझ नहीं आई वो ये कि मग जो कप्स है ये छोटे थे, और ये मैंने शायद ध्यान नहीं दिया होगा। तो इसमें आपको इतने इतने छोटे छोटे मिलेंगे, जैसे छोटा सा चाय पीना है तो उस तरीके से ये है। तो ओवरऑल इसका एक झलक मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक भेज दूँगी अगर आप लोगों को परचेज़ करना हो तो। आई थिंक इसके प्राइस वगैरह सब कुछ मेंशन हो गए। ये है बहुत क्यूट सा, हम मतलब ले जा सकते हैं, बट या यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, आपको केयरफुल रहना पड़ेगा।
उस वो जो कप मैंने मंगाया है इसको आपको बताती हूँ। ये देखिए, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ना बहुत छोटा है। मैं इम्प्रेसो ट्रे और टी केटल से, लेकिन मैं जो कप्स जो मग्स है जिसके लिए मैं इतना वेट कर रही थी, टोटल मुझे बहुत ही मूड ऑफ हो गया। बट कोई नहीं, आज आप लोगों के साथ चाय शेयर करना है तो ये मेरे न्यू छोटे से पुचकू से कप में मैं चाय शेयर कर रही हूँ। आज मैंने अदरक की चाय बनाई है। एक्चुअली इसको पीने में भी ना बड़ा डर लग रहा है, क्योंकि ये घिर अगर ये थोड़ा मोटा होता, बड़ा होता तब तो ठीक है, लेकिन ये इतना छोटा है और पतला सा है। चलिए पूरा कुछ चाय देती हूँ, मिलती हूँ आपसे बाद में, बाय। हेलो गाइस, तो मैं बोल रही थी ना कि मैं अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ। मेरा कुछ आया है सामान, स्पैचुला आया है जो मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था। तो बहुत दिक्कत हो रही थी क्योंकि स्पैचुला चाहिए होता है, तो मैं आप ही के सामने इसको अनबॉक्स करूँगी। थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ, ये रहा मेरा, अनबॉक्स करते हैं हम। ये मैंने खोला है और ये आप देख रहे हो इसका क्वालिटी, ये क्या है यार। ये मेरे को ऐसे नहीं, थोड़ा सा मोटा चाहिए था और मुझे लगा थोड़ा सा मोटा होगा। ये तो बहुत ही पतला है, बहुत ही पतला। इसको तो मैं बस ऐसे क्या बोलते हैं, ऑमलेट को भी मैं पलट नहीं सकती हूँ। और ये पिंक कलर का दिखा था, इन्होंने ग्रीन कलर का दे दिया मुझे। अरे यार, ऑनलाइन चीज़ें मंगाओ ना, यही एक प्रॉब्लम है बहुत बड़ी। और ये दे दिया है, ये तो चलो ठीक है, मेरे पास था वैसे। इसकी इसकी क्वालिटी जो है थोड़ी हल्की है, इसकी क्वालिटी जो है थोड़ी मोटी है। अब ये जैसे आप देख रहे हो ना, ये इसकी क्वालिटी थोड़ी मोटी है, जैसे मैं इसको थोड़ा हैवी है ये। और ये स्पैचुला जो है वो बहुत ही हल्का सा है। और ये मुझे पिंक कलर का चाहिए था, मैंने पिंक कलर देखकर ऑर्डर किया था और इन्होंने पिंक कलर नहीं देखे ना, ग्रीन कलर का दे दिया। और बहुत हल्का है, मुझे तो लग रहा है टूट ही जाएगा। बट मुझे लगता है इसको ऐसे पता नहीं स्टर करने के लिए, पता नहीं यार, मुझे साइज़ थोड़ा सा मुझे लगा थोड़ा बड़ा होगा, बिकॉज़ ये बहुत हल्का है इतना। ये ठीक है, ये ठीक है,
मेरे से इन्होंने ये दोनों मिला के 160 का पड़ा था मुझे, 160 का। लेकिन 160 का मेरे को लगता है ये ही है बस, ये जो है ना मुझे अच्छा नहीं लगा इसकी, ये बहुत हल्की है, पसंद नहीं आया मेरे को। मुझे लग रहा है ये बहुत ज़्यादा हल्का मुझे दे दिया है, मैं इतना हल्का मांगा नहीं था, क्योंकि मैं जैसे इसको पकड़ रही हूँ बहुत ही लाइट है, और ये ना मिक्सिंग के लिए, मुझे एक्चुअली पलटाने के लिए चाहिए था, जैसे कि हम लोग ऑमलेट वगैरह बनाते हैं तो उसको पलटाते हैं, तो ये ठीक है फिर भी, ये इस पे मैं अप्रूवल कर सकती हूँ, बट ये जो स्पैचुला है ये मुझे हल्का लग रहा है बहुत ज़्यादा। ये दोनों के रिव्यूज़ मैंने आप लोगों को दे दिए है, तो फ्लिपकार्ट में अगर आप देख रहे हो और मंगा रहे हो तो थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि ये स्पैचुला वो तरह का स्पैचुला नहीं है जैसे मेरे को चाहिए था, थोड़ा छोटा भी है साइज़ में, पता नहीं क्यों। एनीवेज सब मंगा दिया, यूज़ करना पड़ेगा। 160 का दोनों मिला के 160 का बड़ा है अभी। और क्या क्या ऑर्डर, क्या क्या देखने को मिलेगा मुझे पता नहीं, क्योंकि डर ही लगता है मुझे, ऑनलाइन से कुछ भी ऑर्डर कर दूँ ना मैं, पता नहीं ऐसा होता तो नहीं है। 160 का मुझे लगा बहुत अच्छा होगा, क्वालिटी बेकार है। स्पैचुला जो मेन स्पैचुला जो मैंने ऑर्डर किया उसका मेरे को थोड़ा हल्का लगा। कमेंट सेक्शन पे लिख के बताइएगा कैसा आपको लग रहा है।